नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम दीपक लोनी है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। तो इस सॉन्ग की मुझे रिक्वेस्ट आई थी, तो जिनने भी रिक्वेस्ट की थी थैंक यू लिख देना, अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन पर। तो सॉन्ग की शुरुआत प से होगी, फर्स्ट लाइन इन्हीं लोगों ने, उसके बाद नेक्स्ट लाइन इन्हीं लोगों ने, थर्ड लाइन इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। तो पहले तो दो बार इन्हीं लोगों ने बोलता है वो। कुछ इस तरीके से। तो अभी स्लोली स्लोली सीखते जाते हैं। तो फर्स्ट लाइन प से इन्हीं लोगों ने, नेक्स्ट लाइन इन्हीं लोगों ने, फर्स्ट लाइन इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, नेक्स्ट इन्हीं लोगों ने, उसके बाद इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। तो पहले इतना देखिए, इन्हीं लोगों ने ले लेना। इन्हीं लोगों ने ले ली ना। तो लाइन थोड़ी सी फास्ट प्ले करनी है। तो स्लोली देखिए, नेक्स्ट लाइन दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा। पूरी लाइन देखिए स्लोली, आप समझ जाओगे। इस तरीके से, तो जहाँ पर हमने फास्ट प्ले करना है, तो वहाँ पर आप जब सॉन्ग को सुनोगे, आप खुद ही प्रैक्टिस करना, आप समझ जाओगे कि कहाँ पर हमने फास्ट प्ले करना है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। उसके बाद अंतरे की लाइन, हमरी ना मानो बजजुआ से पूछो। तो फर्स्ट लाइन हमरी ना मानो, नी सा रे ग ग, पापा नी सा रे। हमरी ना पूछो बजजवा से पूछो,
हमरी ना मानो बजेजवा से पूछो। तो हम इसको दो तरीके से प्ले कर सकते हैं, एक तो सिंपली इस तरीके से और दूसरा, तो हम सिंपल वाला लिखते हैं जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। बजे जवा से पूछो। रे सानी पूरी लाइन देखिए। उसके बाद जिसने असर भी गज दीना दुपट्टा मेरा, तो वो सेम। तो ये सेम है जिस पर हमने प्ले किया था, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। तो उसके बाद एक छोटा सा पैटर्न आता है, तो जब वो जिसने असरफी गज भी दीना दुपट्टा मेरा, ये लाइन खत्म होती है, उसके बाद ओ जी हो दुपट्टा मेरा। तो जो ओ जी हो वो नी था प पर प्ले होगा, नी था प, ओ जी हो नी द प, उसका दुपट्टा मेरा। कुछ इस तरीके से। तो दुपट्टा मेरा हम वही यूज करेंगे, वही नोट्स यूज करेंगे दुपट्टा मेरा में लास्ट वाले में जो हमने पहले यूज किए थे। तो बाकी जो इसका नेक्स्ट अंतर है वो भी इसी सरगम पर प्ले होता है। बाकी यहाँ पर जब आप हमरी ना मानो बजेजवा से पूछो, यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन वो सिंपल रहता है। तो बजेजवा से पूछो ये वाली लाइन में सिंपल भी प्ले कर सकते हो और बाकी ऐसे भी प्ले कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे प्ले कीजिए। और जो मतलब और नेक्स्ट अंतर है वो उसकी सरगम भी इसी अंतर की जैसे होगी, तो उसमें कन्फ्यूज़ मत होना। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अगर आपको कोई भी सॉन्ग सीखना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उस सॉन्ग का नाम लिख देना, तो मैं जल्दी उस पर वीडियोस बनाऊंगा। और आजकल मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट वाली सॉन्ग पर वीडियो बना रहा हूँ, तो सारे सॉन्ग्स को मैं जल्दी से कवर करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।